गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। और बात करूंगी भारतीय जनता पार्टी की सांसद और केंद्रीय मंत्री महिला बाल विकास मंत्रालय संभाल रही स्मृति ईरानी को लेकर। स्मृति ईरानी पर इन दिनों उन्नाव मामले को लेकर काफी सवाल, काफी इल्जाम लगाए जा रहे कि आखिर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। तो वहीं इसी बीच अब अमेठी की जो महिलाएं हैं उन्होंने स्मृति ईरानी के खिलाफ हल्ला बोल किया है और स्मृति ईरानी पर उनका गुस्सा फूटा है और कहीं ना कहीं अब शायद उन महिलाओं को स्मृति ईरानी रास नहीं आ रही है। मसला ये है मनरेगा को लेकर। मनरेगा को लेकर स्मृति ईरानी से उम्मीद की जा रही थी कि वो सांसद बनी है तो महिलाओं का दर्द समझेंगी, क्योंकि अभी भी अमेठी में अगर देखा जाए तो मनरेगा में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहाल है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। तो ऐसे में स्मृति ईरानी से इस बात की उम्मीद की जा रही थी महिलाओं की तरफ से कि वो एक बीजेपी महिला सांसद होने के नाते उनके दर्द को समझेंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इसी को लेकर जो खबर सामने आई है उस खबर के मुताबिक स्मृति ईरानी की अमेठी में मनरेगा को लेकर जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हुई हैं। उन्होंने प्रदर्शन किया है सड़कों पर और जमकर नारेबाजी भी की है। और जिस तरह से मनरेगा यानी कि गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में महिलाओं की भागीदारी के मामले में यूपी जो है देश के सबसे फिसड्डी राज्यों में साबित हो रहा है। और ग्राम्य विकास विभाग की काफी कोशिशों के बाद भी स्मृति ईरानी जैसी महिला सांसद के क्षेत्र अमेठी में महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ पा रही है। और जिले के मुसाफिर खाना विकास खंड के जो तहत जो कई गांव आते हैं वहां पर महिलाओं ने विश्वास महिला ब्लॉक संगठन नाम के एनजीओ के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने मनरेगा के तहत काम ना दिए जाने, जॉब कार्ड ना बनाए जाने और ग्राम प्रधान की तरफ से जॉब कार्ड रख लिए जाने को लेकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किए। और महिलाओं ने गाँव में मनरेगा के तहत महिलाओं को काम न मिलने का आरोप लगाया है और पीड़ित महिलाओं ने कहा है कि जॉब कार्ड के अभाव में काम नहीं मिल रहा है और मजदूरी की तलाश में दूसरे पंचायतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। और आक्रोशित महिलाओं ने जिम्मेदारों पर मनमानी करने के आरोप भी लगाए हैं। महिलाओं ने बताया कि सरकार मनरेगा से काम देने की घोषणा की थी लेकिन मजदूरी नहीं मिलने की वजह से घर के पुरुषों को दूसरे प्रदेश में जाना पड़ रहा है। हालांकि बाद में जो है मौजूद जो ब्लॉक कर्मी थे उन्होंने समझाकर महिलाओं का प्रदर्शन शांत करवाया था। तो वहीं पर जो प्रदर्शन में एक महिला जो सरोज सिंह है उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन ने समस्याओं का निपटारा जल्दी से जल्दी नहीं किया तो हम सभी नारियाँ जो है सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगी। अब कुल मिलाकर जिस तरह से महिलाओं ने मनरेगा को लेकर हल्ला बोल किया है, जाहिर सी बात है कि आखिर स्मृति ईरानी कर क्या रही हैं। सवाल इसलिए उठ रहा है उन पर कि वो कई बार दौरे करती रहती हैं संसदीय क्षेत्र के, वहाँ पर कई चीज़ों का शिलान्यास करती हैं, फिर मनरेगा को लेकर महिलाएं क्यों परेशान हैं। अगर राहुल गांधी की वहाँ से छुट्टी की है स्मृति ईरानी ने तो अब स्मृति ईरानी को वहाँ पर जवाबदेही तय करनी चाहिए। और जब वो बीजेपी महिला सांसद है तो महिलाओं का दर्द क्यों नहीं समझ रही हैं। एक तो नाम मामले में उनकी चुप्पी जो है लाख सवाल खड़े कर ही है, तो वहीं महिलाओं को मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, उनके दर्द को क्यों नहीं समझ पा रही है योगी सरकार और स्मृति ईरानी। जब देश और प्रदेश दोनों जगह आपकी सरकार है फिर मनरेगा में इस तरह महिलाओं की हालत क्यों खराब है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा की स्थिति इतनी लचर हो गई है और ये वही मोदी सरकार है जो एक वक्त बीजेपी सरकार जब यूपीए की सरकार थी तो उसको कोस रही थी मनरेगा को लेकर, लेकिन आज वही मनरेगा जो है कहीं ना कहीं जो है गले की फांस बन गया है मोदी सरकार के लिए। अब ऐसे में स्मृति ईरानी अगर अमेठी की सांसद बनी है तो उनको वहां पर जितने भी गाँव आते हैं तो वहां जाके वो कुछ क्यों नहीं कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, कहती हैं कि गौरीगंज में घर बनवा कर रहेंगी, तो घर बनवा कर रहेंगी तो रहेंगी कैसे रहेंगी ये भी तो बताएं। और दूसरी बात तो ये है कि अगर इतना दर्द वो समझती हैं, वहाँ की महिलाओं का दर्द समझती हैं, वहाँ की जनता का दर्द समझती हैं, तो फिर ऐसे में क्यों जाकर क्यों इस तरह की वहाँ पर मुश्किलें सामने आ रही हैं महिलाओं को लेकर। क्या स्मृति ईरानी के कानों तक ये बात पहुँची नहीं है या फिर वहाँ पर जो प्रशासन है वो बात पहुँचाने नहीं देना चाहता है या फिर कुछ और ही मसला है जिसकी भी खबर मीडिया को नहीं लगी है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर जिस तरह से मनरेगा को लेकर महिलाएं मुखर हो रही हैं वो सीधे सीधे स्मृति ईरानी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है कि आखिर वो एक महिला सांसद होने के नाते मनरेगा में महिलाओं के लिए कोई काम क्यों नहीं कर पा रही हैं। और जाहिर सी बात है जॉब कार्ड नहीं मिला है महिलाओं को, प्रधान की यहाँ पर देखिए किस तरह की जो है यहाँ पर प्रधान की करतूतें किस तरह की सामने आई हैं। जाहिर सी बात है कि गाँव में अगर ग्राम प्रधान ढंग से काम करे तो किसी भी गाँव का विकास नहीं रुक सकता है, लेकिन ग्राम प्रधान कहीं ना कहीं बिचौलिए के तौर पर भ्रष्टाचार करते हैं और फिर की वजह से जो है गांव में जो है महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, जो विकास की चीजें सरकार की तरफ से बढ़ाई जाती हैं उस पर ये नकेल लगाने वाले ग्राम प्रधान ही होते, तभी शायद अभी तक गांव का विकास उतनी तेजी से नहीं पहुंच पाया जितनी तेजी से उसको पहुंचना चाहिए था। ऐसे में ग्राम प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जाहिर सी बात है कि
अगर वोट मिला है स्मृति ईरानी को तो अमेठी में कई ऐसे अंतर्गत के गांव आते हैं जहां पे भी विकास को बहुत बहुत आगे तक लेकर जाना है, और अगर ऐसी ही गलतियां निकलती रहीं स्मृति ईरानी की कार्यशैली में तो कोई तो वो दिन दूर नहीं है जब फिर से यहां पर स्मृति ईरानी का पत्ता साफ हो सकता है और राहुल गांधी फिर से काबिज हो सकते हैं या फिर कोई और पार्टी भी यहां पर काबिज हो सकती है। नमस्कार।